दोस्तों आप सभी का स्वागत है बाइक बोन के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा YZF R3 के प्राइस के बारे में, इसके इंजन के बारे में, और दोस्तों हम बात करेंगे इसके ब्रेक्स के बारे में। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे इसके कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स। दोस्तों सबसे पहले इस बाइक के इंजन पर नजर डाले तो इसके अंदर आपको मिलता है 321 cc का इंजन। और दोस्तों अगर हम बात करें पावर की तो ये बाइक आपको देती है 41 bhp की मैक्सिमम पावर और 29.6 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। और दोस्तों अगर हम बात करें ब्रेक्स की तो इस बाइक के फ्रंट में आपको मिलता है 30 सेंटीमीटर का डिस्क ब्रेक और रियर में आपको मिलता है 22 सेंटीमीटर का डिस्क ब्रेक। और साथ ही दोस्तों आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय व्हील्स। और दोस्तों अगर हम बात करें टायर्स की तो इस बाइक के फ्रंट में आपको मिलता है 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 7.7 सेंटीमीटर मोटा टायर, और रियर में आपको मिलता है 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 9.8 सेंटीमीटर मोटा टायर। दोस्तों इस बाइक के फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिल जाता है 17 इंचीज के व्हील। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्यूल टैंक की तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक। दोस्तों अगर हम बात करें इस बाइक की ओवरऑल लेंथ की तो इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2.09 मीटर। और दोस्तों अगर हम बात करें हाइट की तो इस बाइक की जो हाइट है वो है 1.13 मीटर। साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 16 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। और दोस्तों अगर हम बात करें कर्व वेट की तो इस बाइक की जो वेट है वो है 170 किलोग्राम। और साथ ही दोस्तों आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, एनालॉग टैकोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर और लो बैटरी इंडिकेटर। और दोस्तों अगर हम बात करें पिलन कंफर्ट की तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है पिलन सीट, फुटरेस्ट, बैकरेस्ट और ग्रैब रेल। दोस्तों अगर हम बात करें कलर्स की तो ये जो बाइक है आपको दो कलर्स में होगी अवेलेबल, एक तो कलर होगा ब्लू और दूसरा होगा ब्लैक। और दोस्तों अगर हम बात करें प्राइस की तो इस बाइक की जो शोरूम प्राइस है वो है लगभग 3,48,000 रुपये से 3,50,000 रुपये के बीच। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।